hello everyone in this video lecture of emerging domain in electronics engineering i am going to discuss last topic of unit 4 that is introduction to ic technology first of all what is the meaning of ic ic stand for integrated circuit now what is the meaning of integrated circuit integrated ka means a when all components of any circuit is fabricated on single or small Thin semiconductor sheet, then that is called chip, and this chip is called integrated circuit. बिकॉज हमने सारे कंपोनेंट्स को एक साथ ही एक चिप पर फैब्रिकेट कर दिया ठीक है तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट यू कैन राइट डाउन द डिफिनीशन फ्रॉम दिस ठीक है नाउ अब इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होंगे वो डायोड होगा ट्रांजिस्टर होगा आपका ड्रजिस्टर एंड कैपेसिटर होंगे नाउ अब ये ट्रांजिस्टर्स जो होंगे ये टू टाइप्स के होते हैं आइदर हम यूज कर सकते हैं बाईपोलर ट्रांजिस्टर और यूनिपोलर बाईपोलर ट्रांजिस्टर मीन्स कि हमारे अगेन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स दैट इज एन पी एन ट्रांजिस्टर एंड पी एन पी ट्रांजिस्टर ठीक है एंड जो हमारा यूनिपोलर होगा वो हमारे मॉसफेट होंगे और ये कैन बी अ पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट ठीक जो हम लैब में यूज करते हैं जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है वेरिफिकेशन ऑफ गेट्स वहाँ पर हमारी जो आई सी के नंबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें और गेट की आई सी तो नंबर इज सेवन फोर थ्री टू इन विच सेवन फोर का मीन्स होता है कि दिस आई सी बिलोंग टू टी टीएल फैमिली टी टीएल फैमिली मीन्स की ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली ठीक है तो वो उसका सिग्निफिकेंस होता है ठीक है और उस आई सी में हमारे नंबर ऑफ गेट्स होते हैं अब जैसे थर्टी टू है तो थर्टी टू मीन्स की हम और गेट की बात कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर आई सी में फोर और गेट्स अवेलेबल होते हैं ठीक है क्लियर है नाउ अब हम क्लासिफिकेशन करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिकेशन

और मोर देन वन मोनोलिथिक आईसीज को एक साथ फैब्रिकेट करते हैं तो दैट इज कॉल हाइब्रिड सर्किट दिस इज यू कैन राइटिफाइड इन टू पार्ट ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट पार्ट इज एनोलॉग एंड सेकेंड इज डिजिटल एनोलॉग का मीन्स की जहां पर हमें एनोलॉग सिल के साथ वर्क करना हो इन दैट केस हम एनोलॉग आईसी यूज करेंगे जहां पर हमारे जो इनपुट सिग्नल डिजिटल हैं वहाँ हम यूज करेंगे डिजिटल आईसीज ठीक नाउ एनोलॉग आईसीज ऑल्सो नोन एन लीनियर आईसीस वाई लीनियर आईसीज बिकॉज जो एनालॉग आईसीज होती हैं ये कॉन्टीन्यूअस सिग्नल्स के बहुत सारे काम करती हैं फॉर एग्जाम्पल उनका एम्प्लीफिकेशन करती हैं उनके लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं ठीक अब इसमें हमारे जो कॉन्टीन्यूअस सिग्नल्स हैं उनका एग्जाम्पल हो सकता है आदर टेम्परेचर हो सकता है प्रेशर हो सकता है तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग प्लीज़ रिमेंबर कि इसमें जो भी सिग्नल आएगा वो कॉन्टीन्यूअस आएगा ठीक है एंड इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑपरेशनल एम्प्लीफायर होगा एनालॉग मल्टीप्लायर होगा डैक होगा डैक क्यों रिक्वायर हुआ कि सपोज कोई इन्फॉर्मेशन डिजिटल में आ रही है और हमने उसको अप्लाई किया एनालॉग आईसी पे तो एनालॉग आईसी तो एनालॉग सिग्नल लेती है तो डिजिटल आईसी वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को पहले एनालॉग में कन्वर्ट करेगा देन ऑपरेशन परफॉर्म होगा ठीक डिजिटल आईसी एज नेम सजेस्ट दिस इज डिजिटल आई सी मीन्स की ये आईसी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगी वो या तो डिस्क्रीट सिग्नल पे करेगी या हमारे बाइनरी सिग्नल्स मीन्स की अगर हमारी इन्फॉर्मेशन वन और जीरो के फॉर्म में आ रही है ठीक है और ये जो आईसीज होती हैं ये इन्वॉल्व क्या करती हैं मेमोरी मेमोरी बेसिकली रजिस्टर्स इनका एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं डिजिटल आईसीज का हम इनका यूज करते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो कंट्रोलर में कंप्यूटर्स में ठीक है जहाँ पे भी हमारी इंफॉर्मेशन डिजिटल होती है ठीक तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ आई ऑन द बेसिस ऑफ दियर एप्लीकेशन नाउ अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ गेट्स हम अगेन आईसी को क्लासिफाई करते हैं इन फाइव टाइप ऑन द बेसिस ऑफ गेट्स अगेन क्लासिफाइड इन फाइव पार्ट्स फर्स्ट इज एस एस आई एस एस आई का मीन्स है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन स्मॉल का मीन्स क्या हुआ कि छोटा साइज होगा स्केल का मीन्स है नंबर ऑफ गेट्स कम होंगे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है मीन्स इसमें नंबर ऑफ गेट्स क्या होंगे वन टू टेन गेट्स पर चिप मीन्स कि या तो एक गेट होगा या मैक्सिमम जो है टेन गेट्स होंगे तो हम जो लैब में आई यूज़ करते हैं फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब वो हमारी इसी कैटेगरी में आएंगी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन अगर आप नॉट गेट की आई सी देखो उसमें हमारे छः गेट होते हैं रिमेनिंग ऑल जो हमने देखी टू इनपुट्स वाली उसमें हमारे फोर गेट्स होते हैं अगर हम थ्री इनपुट्स की देखते हैं तो उसमें हमारे थ्री गेट्स होते हैं ठीक है बिकॉज फोर्टीन पिन आई होती हैं वन पिन इज रिजर्व फॉर ग्राउंड वन पिन इज रिजर्व फॉर वी सी सी रिमेनिंग जो ट्वेल्व होती हैं वो डिवाइड होती हैं फॉर ईच गेट ठीक है तो नाउ एग्जाम्पल्स इसके क्या हो गए फर्स्ट तो मैंने बताई दिया आपको बेसिक गेट्स एंड सेकेंड होता है फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप इज अ मेमोरी एलिमेंट जो कि डेटा को स्टोर करता है मीन्स कि वन बिट स्टोर करता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है वन बिट स्टोरेज की नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज एम एस आई एम एस आई मीन्स

10000 अब ये कहाँ यूज होते हैं ये यूज़ होते हैं आइदर फॉर डैक एडीसी और मेमोरीज। डैक मींस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एडीसी मींस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मेमोरीज मींस कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ठीक नेक्स्ट इज द वीएलएसआई वीएलएसआई इज द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स इन दिस 10000 टू 1 मिलियन तक नंबर ऑफ गेट्स होते हैं पर चिप इन एम्पियो ट मोर देन वन मिलियन गेट्स पर चिप एंड इनका एप्लीकेशन कहाँ होता है डी एस पी मीन्स की डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में दिट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी थैंक यू सो मच